गुड आफ्टरनून सबका, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मोनू, हाइड्रोजन, अंकिता, सबका वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स, श्रीकांत, विवेक, सबका वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राहुल, ब्रांडेड, जबरदस्त नाम रखा है ब्रांडेड, हाइड्रोजन, ऋषि, सबका वेरी गुड आफ्टरनून, सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले आपके पास स्टार्टर्स में दो क्लोज टेस्ट है, फिर थोड़ा सा और भी अच्छा वाला स्टार्टर है, फिर उसके बाद आपके मेन कोर्स में PQRS और पैसेजेस वगैरह, लास्ट में फ्रेजल वर्ब्स, लास्ट में फ्रेजल वर्ब्स। तो जो भी स्टूडेंट, हाँ जो भी स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं वो तो पूछेंगे ही कि मैम, हाँ मैंने फास्ट लिया है, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं पास्ड आउट हो रही हूँ। पास आउट का मतलब होता है ना एकदम बेहोश होना, आई एम फीलिंग, पास आउट का मतलब होता है ना, अरे अनकॉन्शियस, तो मुझे आई एम फीलिंग वेरी डिजी डिजी टाइप, मुझे पैल्पिटेशन हो रहे हैं, हाँ डिजी डिजी टाइप, चक्कर आ रहे हैं, फिर मैंने सोचा कहीं मुझे डर है कि मैं पास अवे ना हो जाऊं, क्लास ना लूंगी तो मैं पास अवे हो जाऊंगी, तो फिर भी हाँ अब रेस्ट कर लेती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, क्लास पहले है ना, वर्क फर्स्ट, द शो मस्ट गो ऑन, ओके वर्क इज वॉरशिप, क्या बोलोगे, वर्क इज वॉरशिप, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, शो मस्ट गो ऑन। बच्चों का बहुत भयानक लॉस होने वाला है अगर आज मैंने क्लास नहीं लिया, भयानक लॉस हो जाएगा, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आज गर्ल्स नहीं आए हैं, मैं दिल्ली में, आना मिलने, मैं दिल्ली में ना, दिल्ली में एक जगह है मयूर विहार नाम, बहुत सारे मयूर रहते हैं यहाँ पे, मयूर विहार एक जगह का नाम, फेज टू है, मैं वहीं पे रहती हूँ, वहीं पे रहती हूँ। क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्रत एंड ऑल। कल दिल्ली आया था ना, चाहिए था ना मिलने, बस मेरे को खबर कर दिया होता कहाँ थे आप, आ जाती मैं मिलने। चलिए क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया जाए, 14 तक आई थिंक कर लिया था ना, देयर आर सर्टेन स्पीयर्स जहाँ काम को अपने चॉइस से करना चाहिए, किसी का, मेरी बैटरी पूरी डाउन हो रही है, ये ऐसी है ऐसी, फिर भी आई विल पुल माई सेल्फ टूगेदर, उसके बाद मैं क्लास लूंगी। चलो मैं आपको ये वाला तो कर लिया था, अब ये वाला है, जूम कर दिया है, कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूं मैं। ठीक है कमेंट बॉक्स ऑफ कर दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स ऑफ, चलो बनाओ इसको पहले। कम बोलना, इजी लगता है बट उतना होता भी नहीं है, गलत मत करना। कभी कभी ना बहुत इजी इजी वाला भी गलत कर देते हो, इजी है मतलब 5 में 5 आना चाहिए, ठीक है 4 भी नहीं आना चाहिए, 5 में 5। चलो लेट्स ट्राई, ये जो है ना इस कैपिटल लेटर से आ गया, इसको स्मॉल लेटर होना चाहिए, पता नहीं क्यों कैपिटल से आ गया, यहाँ भी कैपिटल लेटर से सेट होना चाहिए, से गलती से आ गया। चलो लेट्स स्टार्ट, एक मिनट, चलो स्टार्ट किया जाए। पहला वाला पोल, ये वुडन डॉल्स का सेट है, बोलते हैं ना अ सेट ऑफ 5, अ सेट ऑफ डैश, अ सेट ऑफ। चलिए नेक्स्ट वाला मुझे लग रहा है रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन आगे जाके अच्छा से पढ़ोगे ना तो रॉन्ग नहीं होगा।
बहुत सारा है। हाँ डॉल के अंदर, डॉल के अंदर डॉल 75 प्लेस किया गया, डिक्रीजिंग साइज इनसाइड वन अनदर, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक को प्लेस किया, बता रही हूँ प्लेस क्यों होगा, क्योंकि कई सारे बच्चों का ना सिचुएटेड ऑक्यूपाइड एंड ऑक्यूपाइड, इट इज अ सेट ऑफ इतना डॉल्स, डिक्रीजिंग इन साइज एंड ऑक्यूपाइड, कहाँ से कर लिया ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई तो मतलब कोई जगह छेकना, पहले से ऑक्यूपाई है, अरे रुको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वाला। अच्छा द फर्स्ट, पहली बार ऐसा सेट को बनाया गया था, पहली बार 45 के सेट में बनाया गया था, 45 डॉल्स का सेट होता, फर्स्ट टाइम जब बनाया गया, और बता रही हूँ कि ये क्यों नहीं होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, बता रही हूँ। नेक्स्ट वाला, आज जल्दी चालू कर दिया ना, करवा चौथ है आज, इसीलिए जल्दी जल्दी कर दिया है, तो कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे। नहीं, 1945 नहीं है, पहला ये डॉल ना 45 के सेट में बनाया गया था, 1945 में नहीं, जैसे 30 का सेट, सेट ऑफ डॉल्स है ना, जो 40 है इधर, क्या कर रहा है, एवरी जेंडर द फिगर्स इनसाइड मी ऑफ एवरी जेंडर, एवरी कौन सा, दो ही तरह का जेंडर होता है, दो ही तरह का जेंडर होता है, मेल होता है या फीमेल होता है, इधर जेंडर मेल भी हो सकते हैं डॉल, फीमेल भी हो सकते हैं, एवरी जेंडर करेंगे। तीन वाला तो वो अलग है, जेंडर दो ही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, पुलिंग स्त्रीलिंग चाचा चाची नाना नानी पढ़ते आ रहे हैं, तीन होता है ठीक है डॉल्स को, इधर जेंडर या तो मेल डॉल है फीमेल डॉल। नेक्स्ट वाला, आर्टिकल वाला, वो न्यूटर जेंडर तो अलग है, मेन ये जो डॉल है ना, ये डॉल इधर जेंडर है, जो फिगर इनसाइड में भी ऑफ मेल फीमेल गुड्डा गुड्डी दोनों है, न्यूटर जेंडर या डॉल की बात हो रही है, एवरी नहीं करेंगे, द फिगर्स इनसाइड में भी ऑफ एवरी जेंडर, हर तरह के जेंडर है। रुको मुझे तो, हर्षिका होगी ये तो हमारे पोल में, चलो गेस करो कि आज नंबर वन पे कौन होगा, नंबर वन पे कौन होगा नहीं हर्षिका आज वो नहीं है, आज वो यहाँ पे है, नाइन्थ नंबर पे है, नाइन्थ नंबर, वेरी गुड बलराम, चेनसॉ पता नहीं कौन सा नाम है ये, रूपाली शोभित आराधना यशपाल अभिषेक मोनू हर्षिका नीचे निकिता, हाँ इट्स नॉट नेसेसरी, चलो अब समझाती हूँ। शिखा का 5 आया, भारती का 3 आया है, बच्चों का 2 भी आया है, देखने में इजी लगता है, इतना छोटा छोटा वाला क्लोज टेस्ट ना बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। जेंडर में मेन हम दो ही जेंडर को मानते हैं ना, जब भी आप हिंदी में भी पढ़े हो तो क्या पढ़े हो, दो जेंडर, नाना नानी चाचा चाची, अब तीसरा मतलब ठीक है न्यूटर जेंडर है वो सब कॉमन जेंडर है, बट मेन तो यही है ना, ओके नाना नानी का कोई तीसरा वाला तो है नहीं, न्यूटर जेंडर नहीं है यहाँ पे, दोनों जेंडर के होते हैं डॉल, गुड्डा गुड्डी जो होते हैं रशियन नेस्टिंग डॉल, तो ये कोई बता रहे हैं, ये मातियुष्का डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल, इसको ये भी बोला जाता है, इट इज अ सेट, ये क्या है, ये वुडन डॉल्स का सेट होता है ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ, ऑफ ऑफ होगा, सेट बाय नहीं है, सेट ऑफ, इसे बोलते हैं ना अ सेट ऑफ सेवन, अ सेट ऑफ सेवन डॉल्स है, डिक्रीजिंग इन साइज, सबसे पहले बड़े को लगाते हैं फिर धीरे धीरे, ऐसा कुछ होगा रशियन डॉल है जिसको सजाया जाता है, सबसे पहले बड़ा को फिर धीरे धीरे छोटा को, और एक के अंदर एक साइज के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है, सिचुएटेड तो अपने से है, जैसे दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली को हमने जाकर सिचुएट नहीं किया अपने से है, लेकिन किसी चीज को हम डॉल को तो हम प्लेस करते हैं ना, जैसे साइज के अकॉर्डिंग हम प्लेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, ऑक्यूपाई तो जगह लेना, जैसे हम बोल रहे हैं ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा, बड़ा को प्लेस करते हैं फिर थोड़ा छोटा छोटा छोटे से टाइप से कुछ होता हो, एक के अंदर एक has been occupied नहीं, उसको रखा गया, रखा गया, और
कशिश, मैंने भी नोटिस किया है कई बार, पढ़ा रही हूँ और नोटिस पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ तो मुझे बताओ, तो पहली बार सच सेट, पहली बार ना ये सेट वुडन डॉल्स का 45 का सेट बनाया गया था, फिर बाद में और भी बनाया गया था, 45 के नंबर्स में थे। हाँ तो एक मिनट मुझे बताओ, इज मेड क्या है? इज मेड आप लोगों ने लगाया था, इज मेड पैसिव है, ठीक है, इज मेड, और वॉज मेड भी पैसिव है, पैसिव चाहिए, और हैज बीन मेड भी पैसिव है, लेकिन ये बोल रहे फर्स्ट, इस तरह के पहले डॉल्स 45 के सेट में बनाए गए थे, पहली बार जब ये बना था। इज मेड का मतलब है रोज बनाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट है, नहीं पास्ट, पहली बार बनाया गया था, पास्ट की बात कर रहे हैं। आज पेपर में स्पिल द आया था, वेरी गुड, रिवील द सीक्रेट, पेपर पेपर अच्छे गया होगा। और द फिगर्स इनसाइड, इनके अंदर जितने भी डॉल्स है ना, इधर जेंडर के, इधर मतलब मेल भी थे फीमेल भी थे इसमें, एवरी जेंडर नहीं होगा, एवरी दो से ज्यादा है, गुड्डा गुड्डी सब थे यहाँ पे, इधर होगा। और द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम, एंड तो होगा नहीं, ईच और सिंगल, ईच सिंगल नहीं होगा, दोनों फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड, इजी है। नहीं, 1945 नहीं है, मैं जबरदस्ती थोड़ी सी कर, पहली बार ना इसको 45 के सेट में बनाया गया था, एक के अंदर एक, एक के पहली बार, हो सकता है कि धीरे धीरे और भी ज्यादा डॉल्स एडजस्ट करने लगे, जबरदस्ती 1945 नहीं लगा, ठीक है। थर्ड को फिर से बता दीजिए, द फर्स्ट सच सेट, जैसे ये तो, ये क्या है, ये रशियन नेस्टिंग डॉल है ना, ये सेट ऑफ डॉल्स है जिसको हम अच्छे से अरेंज करते हैं, डॉल्स का कैटेगरी है, और फर्स्ट सच, फर्स्ट पहली बार ऐसा डॉल जब बनाया गया था ना, पहली बार पास्ट में बनाया गया था ना, तब इसको 45 के सेट में बनाया गया था, 45, ज्यादा ना इधर उधर नहीं करोगे, एक ही चीज बार बार पूछना नहीं, एक ही चीज बार बार नहीं पूछो। हाँ देखो ऐसा वाला, देखो रजत ने भेजा है, एवरी जेंडर की नहीं थी ये, देखो ये डॉल का सेट पहले 45 में बनाया गया, बड़ा छोटा 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 छोटे से कर करके अरेंज कर रहे हैं, ऐसे ही वाला, वाओ वाओ, लास्ट वाली है, सही बोला है, लास्ट वाली कितनी छोटी है, रशिया वगैरह में ऐसा कुछ होता होगा, लास्ट वाली छोटी है। नेक्स्ट वाला, चलो ये हो गया, ये कोई रशियन डॉल, ये हो गया, इजी था, लेकिन रॉन्ग तो कर ही दिया, कमेंट ऑफ कर, इट्स 45 इन सेट, हाँ 45 का सेट बना था वो ना, आपने झूठ मूठ का 1945 के शुरू कर, सूरत बालू का क्या राज है, बताऊंगी ना, कि बताऊंगी तुम्हें जूम मीटिंग में, फोन करके बताऊंगी कि आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है। इट्स 45 इन सेट बिकॉज रशियन नेस्टिंग डॉल वॉज मेड इन 1890, गुड इंफॉर्मेशन, ओके देखो ये बलराम ने बोला है, जबकि दिल्ली पुलिस में इतना टफ आता नहीं है, कि दिल्ली पुलिस में दो बड़े बड़े पैराग्राफ का सीटी आया था,
वो भी करेंट अफेयर्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। तो ये मुझे इस बार का सब एग्जाम ना, इसीलिए मैं आप लोग बोलती हूँ इस बार का सब एग्जाम्स वगैरह का रुझान झुकाव ये सब रहेगा सीटी पे और वो सब पे, तो करना है। अब वो बोल रहे हैं नो मैम आसान क्लोज टेस्ट था, एक बोल रहे हैं कि आसान था, अच्छा सब इजी था, अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलिए छोड़िए, जो भी था आप कर लोगे आराम से, कम से कम इतना तो आत्मा जाग चुकी ना, इतना तो आत्मा जाग चुकी है, आप लोग को आत्मा जाग चुकी है कि अब जो भी एग्जाम देने जाओगे पैसेज क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस का ही खेल होगा, वो एकदम टाइटन योर सीट बेल्ट्स माय सीपीओ वॉरियर्स एंड माय स्टेनो वॉरियर्स। ग्रामर तो इजी है, कर ही लोगे। चलिए पहला वाला पढ़ लिया ना, लिया जाए पोल। पैसेज पैसेज से प्यार मोहब्बत करना होगा, ग्रामर ग्रामर नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज ये सब फ्रेज करने करते रह जाने से कुछ होता नहीं है, पढ़ना है वो सब भी ध्यान यही सब पे देना। टूरिज्म कैन कॉज, अच्छा एक बार मुझे बताना कि यहाँ टूरिज्म के बारे में पॉजिटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है, क्या बोला है पढ़ा आपने, क्या बोला है? नेगेटिव बोला है, हाँ टूरिज्म का नेगेटिव बोला। यू नॉट अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, मुझे लग रहा है सेकेंड वाला रॉन्ग करोगे। अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता, बाकी सबका तो आता था ना, बाकी सबका तो आता था। स्प्रॉलिंग का मतलब है स्प्रेडिंग, फैलाओ, स्प्रेड होना मतलब फैले हुए। हमें रिजॉर्ट्स ना इतना टूरिज्म हो गया कि अब जहां जाओ कहाँ कहाँ जाते हो, नैनीताल और वो सब कहाँ कहाँ जाते हो, मसूरी, रिजॉर्ट्स एकदम बिखरे पड़े हैं फैले हुए, स्प्रेडिंग नहीं होगा बता रही हूँ, स्प्रेड करना बता रही हूँ क्यों नहीं होगा, स्प्रेडिंग का मतलब क्यों नहीं होगा। स्प्रेडिंग रिजॉर्ट्स आर वेल बिल्ट है, दोनों के बीच का मैं डिफरेंस बता रही हूँ, पहले मुझे सारा चीज करवा लेने दो, ये तो बना लो। ये तो सब बच्चे बना गए, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं। नेचुरल सिस्टम्स गेट, ये भी बना लो। नेचुरल रिजोर्स सिस्टम्स क्या हो जाता है, नेक्स्ट एंड चेनसॉ, वेरी गुड बलराम, बलराम का टाइमिंग का बस, अच्छा दोनों का टाइमिंग सेम है। प्रशांता, यशपाल, अभिषेक, हर्षिका, प्रगति, रजनीश, राहुल एंड प्रीति, वेरी गुड। हाँ तो चलो मुझे बताओ इंडिविजुअल सेकेंड वाले क्लोज टेस्ट का। आराधना हैज गॉट 3, गुप्ता जी हैज गॉट 4, सपना हैज गॉट 5, श्रुति हैज गॉट 5, वरुण हैज गॉट 4, 3, अनुप हैज गॉट 6, आदित्य हैज गॉट 5, प्रद्युम 3, डिंपल 3, गौरव 5, सौम्या 4। चलो ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो हर वर्ड का ना, जैसे डैश रिजॉर्ट्स, स्प्रेडिंग, तो स्प्रेडिंग का तो स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग का तो आईएनजी बनता ही नहीं, ठीक है, चाहे जीरेंड फॉर्म में। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, जो स्प्रेडिंग है ना इसका आईएनजी नहीं बनता है, स्प्रेड का मतलब है फैला हुआ, आईएनजी नहीं बनता है सबसे पहले क्योंकि स्प्रेडिंग का आईएनजी नहीं बनता, तीनों फॉर्म सेम होता है, इसका आईएनजी नहीं बनता। और अगर अगर फैला हुआ कोई चीज को बताना ही है ना तो हम वाइड स्प्रेड यूज करते हैं, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब है बड़े पैमाने पे फैलाओ। देयर इज नो सच वर्ड लाइक स्प्रेडिंग, ना जीरेंड में ये है, जीरेंड फॉर्म में भी आईएनजी नहीं होता है और इसका पार्टिसिपल फॉर्म में भी आईएनजी नहीं होता है, ठीक है, तो स्प्रेडिंग नहीं है। बट स्प्रॉलिंग होता है, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है ना कोई भी चीज एकदम एकदम बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, मतलब एकदम कंजस्टेड है, बिखरा हुआ है, कंजस्टेड बिखरा हुआ है।
स्प्रेडिंग, स्प्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना, स्प्रेड करना मतलब किसी भी चीज को फैलाना। लेकिन कभी भी आप देखोगे ना, स्प्रेड एरियाज नहीं होगा, वाइड स्प्रेड एरियाज, स्प्रेड एरियाज और स्प्रेडिंग भी नहीं है। ये मत समझ लेना कि हर आई एन जी फॉर्म का एडजेक्टिव बनता ही है, क्योंकि रिजॉर्ट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, तो वो का आई एन जी लगा के थोड़ी बना दोगे गोइंग, तो यहाँ पे नहीं होगा। स्प्रॉल का मतलब होता है ना किसी भी चीज को स्प्रेड करना, फैलाना, और ये फैलाव है, मतलब फैला हुआ है, या कंजस्टेड के सेंस में। किसी स्प्रेड एक पॉजिटिव वर्ड है, आप नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो, नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकते हो, बट स्प्रॉलिंग का मतलब होता है ना अंधाधुंध चीजों को बड़े पैमाने पे चारों तरफ बना देना। तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म कैन कॉज, जैसे टूरिज्म कैन कॉज सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन। बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, उस वजह से सोशल और कल्चरल डिसरप्शन डैमेज भी होता है। द ग्रेटेस्ट डैश इज द ग्रेटेस्ट अ डैमेज वन डैमेज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज वन डैमेज, वन टू थ्री का सेंस नहीं आता, और किसी खास चीज के डैमेज की बात हो रही है। किसको डैमेज किया जा रहा है? हमारे पर्यावरण को। द डैमेज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट्स आर बिल्ड। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है ना एकदम इधर उधर बिना प्लानिंग के, इधर उधर बिना प्लानिंग के रिजॉर्ट्स बना दिए गए, कोई कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं किया गया। देखो जब भी कोई बिल्डिंग वगैरह बनाया जाता है तो इन्वायरमेंट और वो सब रूल्स को भी फॉलो किया जाता है ना, एनवायरमेंट रूल्स को फॉलो करके डिजाइन से बनाया जाता है। ये बोल रहे हैं ना टूरिज्म को अट्रैक्ट करने, नेगेटिव सेंस में बोला है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ना बिना आर्किटेक्चर कैसे बनाना है, बिना ये सब डिजाइनिंग के भी अंधाधुंध फैला दिया है, इधर उधर फैला दिया है। हाँ रुको, अभी इनका देखती हूँ ना, बट कमेंट देख रही हूँ। स्कीमिंग नहीं होगा, स्कीमिंग का मतलब तो प्लान बनाना। ये बोल रहे हैं ना विच टेक नीदर द लोकल आर्किटेक्चर नॉर द इकोलॉजी, ना ना एनवायरमेंट को ध्यान में रख के, ना लोकल आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के रिजॉर्ट्स इधर उधर बना दिया गया है, नेगेटिव सेंस में। ओके नेगेटिव वाला नेचुरल सिस्टम्स भी इस वजह से क्या हो जाता है, नीदर के साथ तो नॉर आता है, और इस वजह से हमारा नेचुरल सिस्टम्स डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, चल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन उनके लाइफ में इधर उधर आ जाता है। तो अ डिस्प्ले मतलब दिखाना, और डिसमे का मतलब तो निराशा हो गया। नेचुरल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस वजह से वाटर एंड डिस्पोजेबल फैसिलिटीज अलोंग विद ये सब में गड़बड़ हो रहा है, एंड होगा ऑल्सो नहीं होगा, टू प्रोवाइड वाटर ऑल्सो, प्रोवाइड दो चीज ना, प्रोवाइड वाटर एंड डिस्पोजेबल फैसिलिटीज, बट तो नहीं आए। चलिए अब ये वाला मुझे बना के आज ना, डिसमे, डिसमे का मतलब होता है एकदम निराशा में जाना, उसकी 10 मील जमीन चली गई, मई में कोविड आता है, सब लोग निराश हो जाते हैं। और डैमेज नहीं होगा, द डैमेज किसको डैमेज, टू द एनवायरनमेंट। आज मैं एडिटोरियल लाई हूँ, आज भी मैं एडिटोरियल वाला लाई हूँ, लेकिन ये पुराना एडिटोरियल वाला है, पहले भी मैंने एडिटोरियल का पैसेजेस करवाया था, पिछले बैचेस वाला लाइन कहाँ गए, कल कौन थे वो, क्या नाम था, कल एक गर्ल आए थे, बोला मैम आप मेरे को खुश करने के लिए लाते हो क्या, क्लोज टेस्ट, क्या नाम था, अनुष्का है क्या क्लास में, अनुष्का है क्लास में, नहीं है, उन्हीं के लिए लेके आई हूँ, उन्हीं के लिए क्लोज टेस्ट लेके आई, होगी तो बोलेगी नहीं। आज पहले भी मैंने ना, ये नया नया ये सब आप लोग का ड्रामा है, वैसे मैंने पहले भी क्लोज टेस्ट करवा दिया है, सॉरी पहले भी मैंने एडिटोरियल के पैसेजेस करवाए, ठीक है, पहले भी मैंने करवाया है, ऐसा नहीं है कि एसएससी लिख रहा है तभी हम लोग करेंगे, अभी 51 से और भी मैं करवा दूंगी, ठीक है, उसका फास्ट है ना अनुष्का शर्मा का। चलो जूम कर रही तो शायद आपको नहीं दिख रहा है ना, चलिए बनाइए, थोड़ा सा रॉन्ग होने वाला है आज इसमें ना, न्यूज़पेपर के टेक्निकल वर्ड बनाओ, पहले आप इसको बनाओ, ये न्यूज़पेपर का करेंट अफेयर वाला है,
न्यूज़पेपर का टेक्निकल लैंग्वेज है। हाँ डन, सबका मीनिंग ही बता दो पहले। हाँ मतलब न्यूज़पेपर का टेक्निकल लैंग्वेज था। ओके तो आज तो मैं, कोई मेरे को चैलेंज कर देता है ना तो मैं उसको अपने दिल से ले लेती हूँ बहुत, कि मैम आप इजी वाला लाए हो, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप पे ना, मेरे इस लैपटॉप पे टफेस्ट भी है, टफर भी है, टफ भी है, इजी भी है, बहुत इजी भी है, मॉडरेट भी है। तो मैंने इसको दिल से ले लिया था। और आज मैं 1:30 बजे के करीब फ्री थी, मैंने बोला आज इसी के लिए लेके चलती हूँ, लेके चलती हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपका आपका ये माइंडसेट, आपका ये एक चैलेंज टाइप से होना चाहिए। चलो मैम आपने चैलेंज कर रहे हो, मैम आप हम लोग को चैलेंज कर रहे हो, रुको आपको हम लोग गलत प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है गलती से हम एक रॉन्ग कर देंगे, लेकिन हम 4 में 4 लेके, 5 में 5 लेके आए, आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, थ्रो वॉट एवर यू विश टू। चलिए इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए पोल दे रही हूँ, पहला वाला पोल गोज, पता नहीं क्या है पोल, कुछ ऑसिलेट हो रहा है पोल, पोल कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा। फेस क्या होता है मैम, मतलब बता दीजिए ना ताकि हम आंसर दे देंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला तो कर लो, नेक्स्ट वाला आराम से हो। देखो चेनसॉ का सही किया, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वन, ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स, कोई रॉन्ग पोल नहीं है, सब रॉन्ग, सब पोल सही जा रहे हैं। न्यूज़पेपर का है, पहले भी मैंने जब बैचेस पढ़ाती थी तो क्लोस्टेस में पहले भी एडिटोरियल करवाती थी मैं, जब अरुण जेटली जी प्रेजेंट थे, जब बजट दिया था उन्होंने 17-18, उनके डेथ से पहले, उनके डेथ से पहले का। देखिए नहीं रही अनुष्का का, मैं वेट कर रही हूँ कि आज मैंने अनुष्का को खुश किया या नहीं किया। अब तो असली पोल वाला बोर्ड तो, लीडर बोर्ड तो अब दिखे। वेरी गुड, पता नहीं ये चेनसॉ कौन सा बच्चा है, बलराम जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, शुरू में लीड कर रहे थे। कनिष्क वेरी गुड, अश्विन, निकिता, राहुल, रूपाली, गुलशन, कौशल, देखो सर बच्चा सब 15 में 15 लाए हैं। मिथिलेश बहुत अच्छी बात है, 15 में 15 लाए, एकदम टिपिकल एडिटोरियल वाला लैंग्वेज था ये। मेरा लग रहा है पेंटा वेंटा खराब होगा क्या। वायरस नहीं है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। 3 आया है, जिसका 3 भी आया है ना वो वेरी गुड पे है। ऐसे वाले पैसेजेस में मैंने 4 का चैलेंज दिया था आपको, बट 3 भी आया है, मेरा वॉरियर है वो, लड़ाई जीत के आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बट 2 नहीं लाना, 2 में कहीं से हार जाओगे, तरुण हार जाओगे, आप नॉट क्वालिफाइड हो। 3 तो लाना ही था, 3 तो लाना ही था इसमें। चलिए अनुष्का बोलेंगे मैम तो मेरे पीछे पड़ गई है। हाँ जब आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोलते हो, सोडा वाला कोई भी बॉटल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सोडा का बॉटल खोलते हो,
तो एक आवाज आती है ना, फिज फिज फर्स्ट फिज वाला, ये मैंने कहीं सुना है, मुझे याद है ये कोई ड्रिंक वगैरह भी है क्या? ये कोई मुझे लग रहा है ना फिज वगैरह कुछ देखा है, येलो ग्रीन एप्पल कुछ एप्पल फिज, हाँ कोई ड्रिंक वगैरह एप्पल फिज। तो वो खोलते हैं तो एक अलग सा फिज आता है, फिज का मतलब अलग सा सोडा, ऐसे करोगे खोलोगे अलग सा आवाज आता है वो। तो एक तो वो फिज हो गया, और एक फिज का मतलब होता है ना एंथुजियाज्म, एक फिज का मतलब है अरुण जेटली ने जो बजट किया ना उसमें कोई उत्साह नहीं था, मतलब वो उत्साह मतलब एकदम चर्चा का विषय नहीं था उनके, लैक एनर्जी। तो आप बोलोगे मैम बजट में एनर्जी कहाँ से कम हो जाती है, मतलब बजट उतना उत्साह भरा नहीं था, लोग बजट पेश किया तो लोगों को उतना अंदर से एंथुजियाज्म नहीं था, लोगों को बजट पसंद नहीं आया, वही है। तो सेवरल कॉमेंटेटर्स हैव रिमार्क्ड पॉइंटेड आउट क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटलीज बजट फॉर 2017-18 लैक्स लैक लैक इसमें कमी है, इनके बजट में कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी है, मच लैक मच वर्क की मच अफर्ट नहीं है। अरे जब भी बजट आता है ना, तो बजट आता है तो ये थोड़ी बोलेंगे बजट में अफर्ट नहीं डाला, बजट अफर्ट डाल के ही बनाया जा सकता है, लेकिन जो बजट आया ना उसमें लोगों लोग मतलब ये बजट से लोग बहुत उत्साहित नहीं थे, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे, बजट में तो अफर्ट डाल के बनाया, इसमें लैक लैक कुछ खास नहीं था कॉमन पीपल के लिए। बट एवरीथिंग हैज टू बी व्यू, ठीक है लोगों को पसंद नहीं आया बट हर पर्सपेक्टिव से देखना होगा ना, सिर्फ लोगों को खुश कर लोगों को मतलब बजट में कोई बहुत नया नहीं था, बट सब पहलू को ध्यान में रखना होगा ना, बट एवरीथिंग हैज टू बी व्यूड, शीशे में जाके करवा चौथ नहीं है जो शीशे में जाके देख रहे हो, हर नजरिए से देखना पड़ता है, हर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बजट बनता है। दिस ईयर्स बजट वॉज प्रेजेंटेड एट अ टाइम वेन देयर वर सेवरल डैश हैंगिंग ओवर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में ना मतलब उथल पुथल मचा हुआ था, हैंगिंग ओवर द इकोनॉमी, तो देयर वर सेवरल ब्लैक क्लाउड, नहीं होगा स्टॉर्म क्लाउड, तूफान मचाने वाले क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड का मतलब है ना वो हर चीज, स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब वो क्लाउड जो तूफान लाए, तूफान लाए मतलब उथल पुथल, ब्लैक क्लाउड्स तो नॉर्मल सेंस में यूज होता है, अरे काले काले बादल दिख रहे हैं अब बारिश होगी, ये थोड़ी है स्टॉर्म क्लाउड्स होता है, मतलब ये कुछ तूफान लाया मतलब उथल पुथल कर दिया, स्टॉर्म ही नहीं होगा, स्टॉर्म क्लाउड्स है ना ये एक कंपाउंड नाउन है। अब ये सोचोगे मैम क्लाउड तो नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव होगा, ये कंपाउंड नाउन है, उसमें एस नहीं लगाना है। स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब है ना देयर वर सम स्टॉर्म क्लाउड्स, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को ऊपर मंडरा रहा था जो उथल पुथल आ रहा था। रीलिंग का मतलब है वी आर स्टिल रीलिंग, रीलिंग का मतलब होता है वी आर रीलिंग फ्रॉम, मतलब वी आर सफरिंग फ्रॉम। हाँ आपने आपने डार्क क्लाउड्स कर दिया हो, आपने सुना है, वैसे हम ब्लैक क्लाउड्स भी नहीं बोलते हैं, हम ब्लैक क्लाउड्स नहीं बोलते हैं, हम डार्क क्लाउड्स बोलते हैं, हिंदी में काले काले बादल बोल देते हैं बट इंग्लिश में उसको डार्क क्लाउड्स होता है, ब्लैक क्लाउड्स कुछ भी नहीं होता। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो हम झेल ही रहे हैं सब डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव को तो झेल ही रहे हैं, और तब तक ये खतरनाक बजट ला दिया, तो विच मस्ट हैव अर्नड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द रिकॉर्ड बुक्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट डैश डिजास्टर ऑफ टाइम। ऐसा पॉलिसी जो डिजास्टर लाए। अच्छा इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, आपने ये सुना होगा ना स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, इंड्यूसिंग का मतलब होता है कॉजिंग, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स जो दवा आपके नींद ला दे, ठीक है। पॉलिसी इंड्यूस्ड डिजास्टर, ऐसा पॉलिसी जो तबाही ला दे, तो पॉलिसी रिलेटेड डिजास्टर नहीं होगा, पॉलिसी जो आपदा से संबंधित हो नहीं, ऐसा पॉलिसी जो डिजास्टर ले आए तबाही ले आए, तबाही कॉज करने वाला पॉलिसी था, ठीक है आगे बढ़ा जाए। प्रोड्यूस्ड नहीं, प्रोड्यूस्ड का मतलब तो अलग है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी प्रोड्यूस्ड, पॉलिसी जो डिजास्टर कॉज करे, डिजास्टर का कारण बने, डिजास्टर प्रोड्यूस ना कर दे। रील का मतलब है सफरिंग, वी आर रीलिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स। चलिए पीकी वायरस, आज का पीकी वायरस पता नहीं अनुष्का कहाँ है, बस अनुष्का मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आज आप कैसे फील कर रहे हो, मतलब आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं आज लेके आई हूँ कि नहीं, बस मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो डाउट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नहीं डाउट बॉक्स में बता देना, अच्छा है बहुत। उन्होंने बोला बहुत, आप खुश हो ना, मेरे यूट्यूब को डिसलाइक करने गई है, इतनी बार करके आई वो। जरा बताना फिज का मतलब डिक्शनरी में, इतना जल्दी डिक्शनरी भी देख लिया बच्चे ने, फिज का मतलब क्या दिया है जरा बताना डिक्शनरी में, अब ना अब
आज से जब टीसीएस आया था ना, देखो एक दो चीज ध्यान ले, टीसीएस कब आया था, 2000, टीसीएस का एग्जाम 2018 से शुरू हुआ ना, 18 लिया उसने, 19 लिया उसने, 20 लिया उसने, 21 लिया उसने, 22 लिया लिया टीसीएस। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी आपका वेंडर है, एग्जाम लेता है। पहले मतलब पहले बैंक का भी लेता था, मैंने बैंक का लेता था, अब एसएससी का भी ले रहा है टीसीएस। पहले आपका एग्जाम सिफी लेता था, ठीक है, अब टीसीएस ले रहा है। तो टीसीएस जब पहले बार 2017 आया ना, तो उसने सबसे पहला अटैक किया, इंग्लिश का पेपर इजी देने लगा। 2017 तक का पेपर अच्छा आया, 2017 का पेपर वॉज टफ, इसने ना बहुत इजी लेने लगा, इंग्लिश का पेपर इजी देने लगा, एक ग्रामर डैम इजी, सब इजी इजी देने लगा, ठीक है, हाँ ग्रामर बहुत इजी देने लगा सब। लेकिन अब टीसीएस की आत्मा जाग चुकी है, एक दो तीन, अब ये क्या करेंगे, जो अपने सिलेबस में मेंशन, अब लेवल ये बढ़ाएंगे, अब ये लेवल ना ज्यादा नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज पे नहीं करेंगे, अब स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, क्लोज टेस्ट और पैसेज जो बच्चा समझ लेगा ना, तो ऑफिस में काम करने आएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंग्लिश में लिखा आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो भी समझ लेगा। कोई डॉक्यूमेंट उसके पास पढ़ने के लिए आएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, तभी ना वो चीज को समझ पाएगा। अब जब डॉक्यूमेंट आएगा वहां पे वो एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज नहीं निकालेगा, एरर थोड़ी निकालेगा। तो अब थोड़ा अपना लेवल को हो सकता है इजी भी दे दे, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि इजी भी दे दे। 90 तक कर लिया था ना, 90 में, और क्लोज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सीएचएसएल में इन्होंने ट्रेलर दिखाया ना, सीएचएसएल में लेंदी लेंदी दिया है, आपका भी आ सकता है, इसीलिए मैंने, अब देखो थोड़ा लेंदी लेंदी हो गया, शुरू में तो इजी इजी करवाया था, अब टाइम लो पूरा लो। हार्ड की तो तैयारी करवा रही, हो सकता है इजी भी आ जाए, तो कौन जानता है कि कैसा आएगा, हम दोनों करके जाएंगे और क्या। आपका भाई टीसीएस में काम करता है यार, वही बैठ के पेपर बनाएगा। दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में इंग्लिश का लेवल बहुत इजी आता है, लेकिन आप लोग बता रहे हो कि टफ आया है। टफ था, मुझे तो एक लिंकिंग वाला दो सेंटेंस मिल गया, मुझे लिंक करने के लिए सेंटेंस मिल गया, बोल दिया जाए ना, इसकी ना हिंदी मत करना, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसकी हिंदी करने चलोगे ना कुछ नहीं होता है, अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ना नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी देखिए देख। वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस लाई हाई रहेगा तो सब बन जाए। पोल पोल अब दे रही, बहुत टाइम दे दिया, परसेंट 49% ही दिया। स्टार्टिंग पॉइंट्स देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट्स है और यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मुझे बताओ, आर के बाद पी होगा या पी के बाद आर होगा, आर के बाद पी होगा, क्यों 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 होगा आर के बाद पी, और बोल रहे द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी, किसका स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक तौर पे जो आलोचना का शुरुआत इस चीज से हो सकता है। पहले तो बोल रहे हैं इतने सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जिसमें से स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट किसका, क्रिटिसिज्म का, जहां पे यहां पे मेंशन किया, आर के बाद ही पी होगा, पी के बाद आर, गलत, पी के बाद आर गलत, अब यहाँ भी आर के बाद पी है और यहाँ भी आर के बाद पी है और आर के तुरंत बाद पी होगा, ये बोल रहे हैं ना, कभी सामाजिक आलोचना का स्टार्टिंग पॉइंट्स कैन बी डिफरेंट एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म नेवर हैज अ मोनोपोली ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ समझ में भी नहीं आया। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें से एक स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी, तो आर के तुरंत बाद पी आए, और फिर क्यू में बोला है विद विद इन और पोस्ट मॉडर्निज्म अ ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी नो लॉन्गर सीम्स पॉसिबल, कौन सा, नेवर दी लेस, फिर भी,
ऐसा ऐसा कोई थ्योरी होता नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे सोशल क्रिटिक्स इसको कंसिडर करते हैं। यही आंसर। हिंदी के बिना, हिंदी मेरे को भी आधा से अधिक ना, ये इतना फिलोसफिकल लैंग्वेज है ना, मेरे को भी आधा से अधिक का इसका हिंदी ना एकदम ये सब नहीं समझ में आ रहा है। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, डिफरेंट नॉर्म्स एज अ मोनोपोली, अब आधा से अधिक नहीं समझ में आ रहा है। उससे थोड़ी दुनिया खत्म होने वाली, उससे दुनिया नहीं खत्म होगी। आपको क्या लगता है? मेरे को सब सब समझ में आ जाता है, मेरे को भी आधा नहीं समझ में आता है, आधा अपना दिमाग लगा लगा के बनाती हूँ मैं। टफ है यार। चलो पहले इसको देखो, अब मैं क्या करूंगी, मेरे दिमाग में आएगा कि ये आखिर ये दे किसके लिए, ऐसा टाइप से मैं कुछ सोचूंगी। हाँ, मैंने टाइम दिया, टाइम दिया। यही तो सोचा है, तो सोचो किसके लिए है, इसके लिए है, सोचो। सोच लिया है, बोल दिया जाए, सोच लिया। ये दे प्लूरल है, ये दे प्लूरल है, किसके लिए आया होगा? वेन गिवन, यहाँ पे ना वर गिवन लोन्स टू अ लॉजिकल लिमिट, लोन्स है, लोन्स है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई हो यहाँ भी ना, इसीलिए आपको दिक्कत हो गई है। लोन्स एंड क्रेडिट्स। मॉक में रॉन्ग हो जाता, क्यों रॉन्ग होता है आपका मॉक में, सोचो क्यों रॉन्ग होता है। हाँ तो ये देखो, ये देखो, दे एक मिनट, when the credit worthy people were given loans, they were given loans and credits. नहीं, पहले देखो, पहले ये वाला दे, या तो कुछ बच्चों को लगेगा मैम ये पीपल के लिए भी तो हो सकता है, ये पीपल के लिए भी तो हो सकता है, और ये लोन कंज्यूमर्स के लिए भी तो हो सकता है, कंज्यूमर्स के लिए भी हो सकता है, ऐसा जाएगा ना, क्योंकि दोनों के लिए हो सकता है दे। लेकिन अब ध्यान से देखो कि दे वर ल्योर, ल्योर का मतलब है लुभावना, ऑफर देना, अट्रैक्ट करना। दे वर ल्योर थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक्स। जो लोग आपसे सामान खरीदने वाले हैं वो पीपल नहीं है, वो कंज्यूमर है, जो आपका सामान खरीदेंगे, जो आपका सामान कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को हम लोग लुभावने ऑफर वगैरह देते हैं, कस्टमर कंज्यूमर। तो आर के बाद ही ऐसा है, आर के बाद एस, एस के बाद आर, ये तो वैसे ही हो, ये तो वैसे ही हट गया। अब है आपके पास तीन, तीनों ऑप्शन आर से, तीनों ऑप्शन आर से है, और देखो आर के बाद ही ऐसा आएगा, ठीक है, आर के तुरंत बाद। और दूसरा देखो, दे वर गिवन लोन्स एंड क्रेडिट्स, पहले तो उनको लोन और क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है, और जब उन्हें लोन और क्रेडिट एक लिमिट में दिया जाएगा तो वो दे विल सीज टू बी अ पार्ट, वर गिवन ऑल क्रेडिट, व्हेन व्हेन ऑल, पहले तो दे वर गिवन, दिया गया, और जब उनको दिया गया ना, उसके बाद वो मार्केट का हिस्सा ही नहीं थे। एस के बाद पीओ, पी के बाद एस बिल्कुल नहीं होगा, पी के बाद एस ऐसा। कुछ बच्चे बोलते हैं ना मैम बैंकिंग टाइप करवाइए, ऐसे ही बैंकिंग में भी आता है, ऐसे ही बैंकिंग में भी आता है, बैंकिंग में इसे खतरनाक नहीं आता, ऐसे ही आता है। नेक्स्ट वन, चांदनी तुम फालतू का मसाज नहीं करोगी, तुम मैसेज मत करना, मसाज मसाज लिख के भेज रही, मैसेज अभी अभी मैं जिम कॉर्बेट गई थी ना,
अभी मैं जिम कॉर्बेट गई थी तो मैं सफारी करके आई। देखो होटल वाले रिजॉर्ट जो रिजॉर्ट्स वाले होते हैं उन लोग की क्या सेटिंग होती है। मैं सफारी करके आई, सफारी में कुछ थकी वकी भी नहीं थी वहाँ। और जैसे मैं अपने रिजॉर्ट में एंटर की ना, रिसेप्शन से कॉल आया, रिसेप्शन से कॉल आया, बोल रहे हैं कि मैम आप सफारी करके आओगे ना आपको पूरा मसाज दिया जाएगा, मसाज दिया जाएगा। तो हम इंडियंस की तो हैबिट है। मैंने पूछा कि क्या है मसाज का, क्या आपका उसका है, क्या लगेगा? तो उसने बोला 3,000 से स्टार्टिंग है, 3,000 से स्टार्टिंग है। मैंने बोला नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, थकी नहीं हूँ, मेरा ठीक है, 3,000 से उनका स्टार्टिंग है। स्प्रॉलिंग रिजॉर्ट, सही बोला सही बोलता। मैं रिजॉर्ट था ना, दिल्ली में होती तो बोल देती नहीं, अगर 300 में करना चाहो तब मैं आऊंगी, 300 में कर दो, 3,000 की जगह में तो आप 10 रुपीज का टैबलेट खा लो, आपका सारा थकान दूर हो जाएगा। थाईलैंड बना दिया, सही होता, सही बोल रहे हैं। टैबलेट एक दिन खाने से टैबलेट नुकसान नहीं होता, टैबलेट से नुकसान हो जाए। ऑप्शन से एलिमिनेट करी, अपने ऑप्शंस को फटाफट दो, तो वैसे ही छटा हुआ दिख रहा है। कम ऑन गाइस, चलो गाइस, एंड से तो शुरू ही नहीं होगा, एंड द विक्टिम्स, एंड से तो बिल्कुल नहीं शुरू। ओ क्यू, पी हटा, पी हट गया, पी हट गया। फिर एस और क्यू में कौन सा पहले होगा? पहले तो ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। वाटर इज ऑल्टरिंग, वाटर इज चेंजिंग एंड अफेक्टिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वाटर ये ला रहा है, और वर्ल्ड में से इंडिया, इंडिया में वाटर पे से रिलेटेड विवाद वगैरह सब और भी बढ़ते जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करके तब इंडिया की करेंगे, एस के बाद ही क्यू, एस से शुरू होगा, क्यू के बाद एस नहीं। वेरी गुड चेंसो, पता नहीं कौन सा चेंसो है, अपना असली नाम भी नहीं बता रहे। आज का PQRS टाइम टेकिंग है, 95 तक करते हैं। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मेरी फास्टिंग है आज। पानी पी लिया है, ये बहुत मुश्किल वाला है। मैंने सर से गिफ्ट मांगा था, इनकार कर दिया, मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। 2 बजे मुझे रिप्यूडिएट कर दिया, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला चलो पानी पीना शुरू कर देती, बन गया ये। आज का PQRS ना, आज का PQRS डिफिकल्ट है, और आपके CHSL जैसे एग्जाम्स में 12th लेवल में ऐसे ही टाइप से आया था। मेरे को मिल गया आंसर, अब थोड़ा सा ध्यान दो ना, ऑप्शंस पे ध्यान दो, ऑप्शंस पे ध्यान दो, ऑप्शन पे ध्यान दोगे आपको अपना आंसर मिल जाए। नहीं दिया आपने, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आपको देखना था PR, ऑप्शंस पे इतना नजर डालो ना, PR, PR, और यहाँ पे था RP। या तो जो चीज अलग है, या तो वो आंसर होता है, या तो वो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये देखो, फॉर वन, एक एडवांटेज, फॉर वन, एक जिसमें से एक, ये बोल रहे हैं ना, आउटसोर्सिंग, बाहर से जब हम काम करवाते हैं, द आउटसोर्सर डजेंट हैव ऑल द एडवांटेजेस, सारे एडवांटेजेस उसको नहीं मिलते हैं। फॉर वन, एक एडवांटेज, वेरी फ्यू एंटरप्रेनर्स आर विलिंग टू टेक ऑन अ न्यू आउटसोर्स।
अनलेस इट कम्स. बहुत सारे दे डोंट हैव ऑल द एडवांटेजेस, उनको सारा एडवांटेज नहीं मिलता है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है. तो आर के बाद ही पियो, और सब में पी के बाद आर. लास्ट वाला, अब ये लास्ट है. वैसे ना मेरे को इसका सारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है. ये वाला मैं पोल नहीं दूंगी, ठीक है? मैं इसमें पोल नहीं दूंगी क्योंकि मेरे को ऑप्शन सब सही नहीं लग रहे हैं. बी मेरे को भी लग रहा है, लेकिन बी में ना मुझे गलती क्या लग रहा है. देखो देखो, पहले पहले तो क्यू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है? क्यू से स्टार्ट होगा. ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. सब एग्री करते हैं ना, क्यू से स्टार्ट होगा. इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और क्यों से ही स्टार्ट होगा, ये तो हट गया दोनों. सिमिलरली, सिमिलरली मतलब ठीक इसी प्रकार, इसी प्रकार तो तब बोलेंगे ना जब पहले कुछ होगा. आर भी नहीं. हाँ, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड मार्केट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरडिपेंडेंट डिपेंड्स. पहले तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड मार्केट इंपॉर्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका साइज डिपेंड करता है प्रोडक्शन कॉजिंग शिफ्ट्स इन द फूड. तो क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, ठीक है? लेकिन मेरे को आर के बाद एस नहीं लग रहा है. यहाँ पे होना चाहिए एस के बाद आर, एस के बाद आर होना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन क्यू के बाद पी आया, ठीक है? फिर उन्होंने बोला एन अपवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व वुड साइमल्टेनियसली रिजल्ट इन अपवर्ड शिफ्ट इन द लेबर डिमांड ग्राफ. और ठीक ठीक इसी प्रकार अपवर्ड शिफ्ट इन फूड सप्लाई शिफ्ट सब. तो एस के बाद ही आ रहा है, एस आर. इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है, या तो टाइपिंग एरर होगा, टाइपिंग एरर लग रहा है. चलिए अब पैसेज पे आते हैं. आज हमारा पीक्यूआरएस बहुत टाइम लेने वाला था. हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ही जाता, क्या करते? एग्जाम में तो पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं. आज ना मैंने थोड़ा सा आंकड़ा वाला हटाया है. तो एक मिनट, थोड़ा डेटा वाला, चलो इससे बना. फोर्थ वाला सब बाद में बनाऊंगी, सिक्स से बना. मेरे को नहीं लगता है कि प्री में पैसे जाना चाहिए, बट यू नेवर नो, ठीक है? कोई ठिकाना नहीं. मेरे को नहीं लगता है कि आना चाहिए. ये तो यहीं पे बना लो. कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देगा. पहला क्वेश्चन का आंसर मैं पोल दे रही हूँ, इसी में दो. कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देगा. चलो कल्बिनेशन. कल्बिनेशन का मतलब है किसी चीज की एकदम पीक, चरम सीमा, ठीक है? अब आपका सस्पेंस खत्म होने वाला. कल्बिनेट होना मतलब एंड होना. तो एक तो वैसे ही बन गया. क्या बोला है भारती ने, क्या मैसेज उसने भेजा है? पीडीएफ पीडीएफ सब कहे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो कॉपीज में नोट्स बनाए. हाँ, बहुत अच्छा बात बोल. देखो देखो जरा, वेल सेड, वेरी एप्टली सेड, वेल सेड. पीडीएफ से नोट्स बनाए, जो कॉपी में नोट्स बनाए सफलता उसी को होए. कितने ये वो दिव्य कृति वाले, विकास कृति वाले सर है, भी क्या नाम है ना उनका, आईएएस वाले, क्या विकास सर है, विकास दिव्य कृति कुछ नाम है, दिव्य. चलो एक तो बन गया ना, पांच में से एक बन गया. चलो क्वेश्चन दिखाऊं आपको. चलो क्वेश्चन देखो फटाफट. दृष्टि आई एस हाँ, ये खुद भी आईएएस ही थे. गगन प्रताप सर को आप जानते हो? ये पूछो कि आप किसको नहीं जानते हो. व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स इन 2014, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. सम प्रोमिनेंट स्टेप्स वर टेकन टू रिड्यूस फार्मर स्ट्रेस, क्या है? Which of these kadam steps were taken to ensure that the allocated funds do not run out? चलो मेरे को बताओ, run out का मतलब क्या है?
आपको फ्रेजल वर्ब में बताया है ना रनआउट का मतलब क्या है, रनआउट का मतलब भागना होता है, हरी आप, टाइम इज रनिंग आउट, शॉर्टेज। देखो फ्रेजल वर्ब कैसे काम आया, क्या ऐसा किया जाए कि शॉर्टेज ना हो। और लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। चलो सब बता दिया, बस याद रखना है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है ये पूछा है, और कौन सा स्टेप लिया गया है ना जिससे एलोकेटेड फंड की कमी ना हो ये पूछा है, और ये सब पूछा है, ये सब पूछा है। चलो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, पर्दा। वैसे तो मुझे आंसर एक क्वेश्चन का मिल गया, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी आगे पढ़ो, आप लोग चाह रहे हो कि आंसर पे नहीं जाना है, मैम पूरा पढ़ने दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, नेक्स्ट पढ़िए। दिया जाए, पढ़ लिया है ना, अच्छा खासा टाइम दिया था पढ़ने के लिए, पढ़ लिया जाए। अब आप मुझे बताओगे कि तुरंत पैसेज पढ़ के जहां आंसर मिल गया टिक करके खत्म करें, या कौन वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। लास्ट वाला थोड़ा सा बच गया है, पढ़ दीजिए। किसी को तुरंत वाला अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। क्या 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 क्वेश्चन जरा पूछा था ये बताना, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है वो पूछा था, और क्या पूछा था, फार्मर के स्ट्रेस को दूर का मतलब क्या किया, सिचुएशन वगैरह, एलोकेटेड फंड की कमी ना हो जाए क्या किया, ये सब क्वेश्चन याद रखने जरूरी है ना, तभी रिटेन कर पाओगे। चलो पहला का तो बन ही गया था, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स बिफोर 2014, मोदी जी के आने के पहले, मतलब पैसेज के अनुसार क्या बोला, व्हाट वाज द सिचुएशन। पोल दे रही हूँ, पोल दे रही हूँ, यस वेरी गुड। इसका आंसर मुझे बताओगे आपको कहाँ पे मिला था, द फार्मर्स को जबरदस्ती बुलडोज किया जाता था, बुलडोजर से जबरदस्ती उन्हें मजबूर किया जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन करो, और उनके वेलफेयर को तो गॉन विद द विंड, उनके वेलफेयर को तो लोगों ने इग्नोर ही कर दिया। ये कहाँ पे मिला था, दिखाना भी तो होगा कहाँ पे होगा। हाँ पहले अनसीन इन द लास्ट थ्री डिकेड्स, बीजेपी के आने के पहले ये बोल रहे हैं, प्री 2014, प्री का मतलब 2014 से पहले, फार्मर्स वर बुलडोज ओनली टू ब्रीड मोर प्रोड्यूस, उत्पादन ज्यादा करो, जबकि उसके वेलफेयर को गॉन विद द विंड, मतलब नजरअंदाज कर दिया। ये हो गया, ये दोनों दोनों
हालत खराब थी। ए और सी में क्या अंतर है? दोनों आंसर है, दोनों 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 थी तो दोनों किया। पैसेज के हिसाब से करना है, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं ना, मतलब मोदी जी को जो नहीं पसंद करते हैं उनको, उसको ध्यान में रख के आंसर नहीं देना, पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सम प्रोमिनेंट स्टेप्स वर टेकन इन ऑर्डर टू रिड्यूस फार्मर्स स्ट्रेस। सब प्रोमिनेंट मतलब कुछ स्टेप्स लिया गया, क्या ये सच है? बट स्टेप्स लिया गया, दे स्टेप्स वर टेकन, ये डेफिनेटली ट्रू है। कैसे पता चला कि ट्रू है? कहां से मतलब आपको पता चला? कहां मतलब कहां पे लगा? यहाँ पे लिया गया, पैशन मस्ट सब्सिडी फॉर, मतलब कहाँ पे पैसेज दे रखा है इन्होंने बहुत। बट डिड द वेलफेयर कन्फाइन इटसेल्फ टू सी नेम चेंजिंग? आगे आगे ये सब बहुत सारा चीज किया मोदी गवर्नमेंट ने, ये किया, अमेंड किया, ये किया, ये किया, ये किया, लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ तो दुख दर्द के बारे में किया है। रियलाइजिंग द नीड टू पे ये बाउंडर टू द फार्मर्स डेकेड ऑफ डिस्ट्रेस, मोदी गवर्नमेंट ने नेम चेंज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो टोटली एग्रीड है पैसेज के अनुसार, पैसेज के अनुसार, पैसेज के अनुसार बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए थे फार्मर्स को स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली नहीं है, नो नो इट्स नॉट प्रोबेबली, मे बी ट्रू बट दिस इज प्रोबेबली, मतलब हो सकता सही है बट पैसेज के अनुसार। व्हाट व्हिच ऑफ दिस स्टेप्स वाज टेकन दैट द एलोकेटेड फंड्स डू नॉट रन आउट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, फंड की कमी ना हो उसके लिए क्या किया इन्होंने? अगली बार मोदी हारेंगे? अच्छा, कहाँ से अमेरिका से फोन आया था कि हम तो मोदी को हराएंगे? शुक्र मनाओ ना कि मेरे को बोल रहे हो और किसी से नहीं बोल रहे हो, बहुत पिट जाते हैं। अमेरिका से फोन किया था वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने, हम तो इस बार मोदी को हराएंगे। मैंने क्या गलत बोल दे दिया है? अच्छा, गलत दे दिया था क्या आपको? ओके, इसमें ये भी था ना, नहीं रुको रुको देखने दो, देखने दो शायद, नहीं मैंने तो गलत पढ़ा है क्या, रुको रुको देखने दो। कहीं था ना, बट इट द वेलफेयर असिस्टेंस फॉर एज सजेस्टेड बाय फोर्थ द मोदी गवर्नमेंट, एज सजेस्टेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन, मोदी गवर्नमेंट ने ये को कहीं पे था ना, ये जस्ट कहीं पे था, नेक्स्ट पेज में था, मेक श्योर। अरे हाँ, आप लोग का आंसर गलत है, टू मेक श्योर मैंने सही दिया था। हाँ, ऐसा थोड़ी है, टू मेक श्योर दैट द फंड डजेंट एग्जॉस्ट इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेटिक, द साइज ऑफ द SDRF बीन डबल्ड फ्रॉम इतना टू इतना। हाँ, तो मैंने तो सही आंसर दिया था। ऐसा थोड़ी है कि फंड की कमी ना हो इस वजह से, फंड की कमी ना हो अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन मतलब जब बारिश वगैरह ना हो तो उस कमी ना हो इस वजह से NDRF एंड SDRF को सूट कन्वीनियंस, नेम नाम बदल दिया गवर्नमेंट ने, इसको चेंज कर दिया इसमें। नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं होगा, फंड की कमी ना हो ना तो डबल कर दिया, अमाउंट को डबल कर दिया है, नाम फंड की कमी, देखो देखो फंड की कमी ना हो इस वजह से NDRF को थोड़ी किया है, डबल कर दिया, डबल डबल, उसको अलग रीजन से अमेंड किया गया। बिहार में हारने वाले हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, हार भी जाएंगे तो आपका क्लोस्टेस थोड़ी इंप्रूव हो जाएगा, जीतेंगे भी तो आपका क्लोस्टेस नहीं इंप्रूव हो, आपके क्लोस्टेस इंप्रूव मैं ही करवाऊँ, मोदी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ आपके लिए। व्हाट कैन बी सेंड बाय द टर्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग? अब इसका आंसर देखने के लिए ना मेरे को एक बार पढ़ना होगा, मैंने वाला पार्ट देखा नहीं, ये कहाँ है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कहाँ पे था, कहाँ पे था, मेरे को एक बार पढ़ना होगा। लास्ट पेज में है ना, रुको, देख लिया देख लिया। रुको देखने दो, ठीक है
क्लियरली कुछ नहीं लिखा है इसमें, वही उसी चीज में मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। एन एक्सटेंशन, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, कुछ क्लियरली इसने मेंशन तो नहीं किया। एक्सटेंशन ऑफ कंपैशन, कंपैशन इनपुट सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड एनुअल प्रोडक्शन रिस्पांसिबिलिटी इन द केस विद एनिमल फिशरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। ऑप्शन देखने दो, इसने ना क्लियरली कुछ नहीं लिखा, कुछ अज्यूम करना होगा। 20 में मोर देन 22 मेज ऑफ कल्टीवेशन, नॉलेज बेस्ड है, मर्जिंग नॉलेज बेस्ड है, इसने कुछ दिया तो नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, डी होगा ना, नो डीज होगा। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मर्जिंग वेरियस वेज ऑफ कल्टीवेशन इन अ स्मॉल स्पेस, ये तो कहीं है नहीं, ये तो कहीं दिया नहीं है। स्मॉल स्पेस ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफाइड सिस्टम और यूजिंग नॉट मोर देन टू, ये ना एक जनरल क्वेश्चन पूछ दिया है, जनरल क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन मुझे पढ़ना होगा इसका क्वेश्चन का क्यों नहीं, क्वेश्चन सेट हुआ है ना है। सिमिलरली दिस इज स्पेशली अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स को राहत मिल रहा है, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के अलावा प्रैक्टिसिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन रेन फॉर लाइफ रिलीफ कुछ और कर रहे हैं। रुको, थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू मत करो। नॉट यूजिंग मोर देन इंटीग्रेटेड, नॉट यूजिंग मोर देन टू डिफाइंड सिस्टम्स ऑफ, इसमें तो देखना होगा, यूजिंग मर्जिंग वेरियस एरियाज इनटू, नहीं स्मॉल पीस ऑफ लैंड क्या है, मेरे को कंफ्यूजन है। ठीक है, नॉट यूजिंग, यूजिंग नॉट मोर देन टू डिफाइंड वेज ऑफ कल्टीवेशन, दो डिफाइन है, एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया मतलब एक ही जगह जोड़ दिया है, स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ, इसको ना देखना होगा। ठीक है, इसको एक बार मुझे ना थोड़ा स्टडी करने दो। अब मैं क्या करूंगी ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का थोड़ा सा वो सब भी देखूंगी, क्योंकि इन्होंने ना, इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री की बात भी की है, पशुपालन की भी बात की है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, और ये तो एक आ गया है, इसमें तो सब्सिडी दे दिया है, फिर फिशरी भी है, फिशरी भी है, तो देखना होगा, एक बार मुझे देख लेना होगा, रॉन्ग आंसर बताने से बेटर है ना देख लेना इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है, एक इंटीग्रेट करना फार्मिंग से, नॉट यूजिंग नॉट मोर देन टू वेज ऑफ कल्टीवेशन, देखना होगा, देखना होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगी, मेरे को लग रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया दोनों को, एक से ज्यादा नहीं, मेरे को देखना होगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, इन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटे से जगह में इंटीग्रेट कर दो, ये तो बिल्कुल नहीं, यूजिंग मोर देन इंटीग्रेटेड फार्म, इंटीग्रेट मतलब देखना होगा, देखना होगा। ओके, इसका आंसर एक बार चेक करना होगा मुझे, देखना होगा, किसी एग्जाम में आया होगा तब तो ये ऑप्शंस क्या है विकास भैया का, मुझे देखना होगा, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक इन्होंने, और मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बीएस वाले टीचर से पूछ के आना था इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, क्योंकि इसने ना फार्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी भी दिया है। डाउट सेक्शन देखिए उसमें आया हो, बहुत अच्छा लग रहा है अनुष्का को ना, एडिटोरियल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या भेज रहे हैं, करवा चौथ पे साड़ी नहीं खरीदा, पति को ये सब भेज रहे हैं। कल्मिनेटेड, देखो तू, एक मिनट मैं देख रही हूँ, एक मिनट, आपने बोला कि मैं कल्मिनेटेड का सेंस नहीं जान, एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखना। हाँ सही बोला है, हमने हमने ना, वेरी गुड, हमने क्या किया ना, हमें तो पैसेज के अनुसार करना था ना। हाँ सही बोला, कल्मिनेटेड दिस कर रहे, हमें तो पैसेज, तो ये कहानी की सीख हमें क्या मिली, वेरी गुड, कहानी की सीख हमें क्या मिली है कि हमें हमें डायरेक्ट हमें डायरेक्ट हाँ हमें डायरेक्ट ना वर्ड का, वैसे तो कल्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, एंड होना, बट पैसेज के अनुसार देखना है ना, पैसेज के अनुसार देखना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, पैसेज के अनुसार तो एंडेड नहीं निकल रहा। अब देखो, अब यहाँ पे या तो कंटिन्यू होगा या तो स्टार्टेड होगा। ओके, आप
कंटिन्यूड होगा या तो स्टार्टेड होगा, सही बोला, वो तो देखा ही नहीं मैंने। अब देखो मोदी जी का अंटिल एंड द बीजेपी सिक्योर्ड अ थंपिंग मेजोरिटी और मोदी जी का करिश्मा कल्मिनेटेड एज ही अस्यूम्ड, तो क्या होगा यहाँ पे, किस सेंस में है? मोदी तो पहले नहीं थे ना, मोदी के आने के बाद स्टार्ट हुआ ना, पहले तो मोदी गवर्नमेंट नहीं था, ऐसा थोड़ी था कि पहले से भी मोदी जी का करिश्मा चल रहा था। बहुत बहुत अच्छी बात। वैसे वैसे एग्जाम में अगर कल्मिनेट आया ना, एग्जाम में कल्मिनेट आया मतलब कोई भी चीज का एंड हो ना, कोई भी चीज, ठीक है, लेकिन पैसेज के अनुसार करना है ना, तो सीखा। चलो एंड करते हैं। यस यस, करिश्मा का मतलब है चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। कल कल हम लोग कर लेंगे, कल कर लेंगे। बैंकिंग में भी ऐसे ही आता है, पैसेज का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द, मतलब वर्ड का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यस।